नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 29 खेला जाएगा 29 अक्टूबर को इंडिया और इंग्लैंड के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2 बजे से, यानी कि 2 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के ODI रिकॉर्ड्स क्या हैं, जबकि इस मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीत कर क्या करना चाहिए। इसके अलावा इस मैच में इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले के लिए लखनऊ की वेदर रिपोर्ट क्या है। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच के लिए लखनऊ की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मैच के लिए, वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात कर लें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। मैच के दौरान बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दिन में आपको धूप खिली हुई नजर आएगी और मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, जबकि रात में भी वेदर पूरी तरीके से क्लियर रहेगा, बारिश होने के चांसेस 0% है। तो ऐसे में आपको होपफुली ये मुकाबला बिना किसी इंटरप्शन के पूरा होता हुआ नजर आएगा। और अब दोस्तों, बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 29 के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट ODI मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो लास्ट 5 ODI मैचेस यहां पर हुए हैं, उसमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 3 मैच सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 256 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 230 रन्स का रहा है। तो आप इन लास्ट 5 ODI मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हुए हैं। जनरली इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच स्लो एंड लो नेचर की होती है। इस पिच से स्लोअर बॉलर्स और स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, जिस वजह से इस मैदान पर बल्लेबाजी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ है, और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के लिए इस मैदान पर नई और फ्रेश पिचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि रेड सॉइल से बनी है, और इन पिचेस पर आपको काफ़ी अच्छा बाउंस भी देखने को मिल रहा है, जबकि ये फ्रेश पिचेस बल्लेबाजी के लिए भी काफ़ी बेहतर हैं। वर्ल्ड कप 2023 के 3 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, और उनकी 6 पारियों में से 5 पारियां ऐसी थीं जहां पे आपको स्कोर 200 के ऊपर देखने को मिले हैं, जिनमें से 2 पारियों में 260 के ऊपर का स्कोर बना है, जबकि 1 पारी में 300 के ऊपर का स्कोर भी देखने को मिला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाल फिलहाल में इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए काफ़ी बेहतर हो चुकी है, इसी वजह से आपको काफ़ी अच्छे स्कोर्स इस मैदान पर देखने को मिल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पिच पूरी तरीके से फ्लैट है, अभी भी इस पिच से गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है, फिर चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों या फिर स्पिनर्स हों, दोनों के लिए इस पिच पर मदद है। शुरुआती ओवर्स में तेज़ गेंदबाजों को पिच से मदद मिल रही है, जबकि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स भी यहाँ पर इफेक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये पिच थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो जाती है, तो स्पिनर्स भी कारगर साबित होते हैं। ओवरऑल आप इसे एक बैलेंस्ड पिच बोल सकते हो, तो इस मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच काफ़ी अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले जो 2 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं, वो दोनों मुकाबले चेजिंग टीम्स ने जीते हैं, जहां पर स्कोर चेस करना ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ था। पिछले मैच में श्रीलंका ने नेदरलैंड्स के खिलाफ 260 के ऊपर के स्कोर को भी आसानी के साथ चेस कर लिया था, जबकि इस मैच के लिए भी रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आ रही हैं
कि आपको दूसरी पारी में काफी ड्यू भी देखने को मिल सकती है, और अगर दूसरी पारी में ड्यू फैक्टर देखने को मिलता है तो फिर चेस करने वाली टीम को एडवांटेज मिलेगा, जबकि दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, और इस मुकाबले में भी चेजिंग टीम के पास एडवांटेज रहेगा। हालांकि अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को इस पिच पर मुकाबला जीतना है तो उन्हें 300 के ऊपर का स्कोर बनाना होगा, क्योंकि अगर 300 के ऊपर का स्कोर चेस करना पड़ जाए इस पिच पर तो वो यहाँ पे मुश्किल साबित हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए लास्ट 5 ODI मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो साउथ अफ्रीका का है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 311 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया का है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 177 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो श्रीलंका ने किया है नेदरलैंड्स के खिलाफ पिछले मैच में 263 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो साउथ अफ्रीका ने किया है इंडिया के खिलाफ 249 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 3 ODI मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 26 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 18 विकेट्स स्पिनर्स को भी मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 13 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को भी 13 विकेट्स मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 8 विकेट लिए हैं, जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 5-5 विकेट्स मिले हैं। तो आप इन लास्ट 3 ODI मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाज और स्पिनर्स दोनों को मदद मिल रही है, इसी वजह से दोनों तरीकों के गेंदबाजों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ विकेट्स चटकाए हैं। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात कर लें तो जो शुरुआती ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, उनकी गेंद हवा में स्विंग भी करती है, जबकि उनको पिच से काफ़ी अच्छा बाउंस भी मिलता है, इसी वजह से वो आपको पावर प्ले ओवर्स में 2 या फिर 3 विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये पिच स्लो होती चली जाएगी, जिस वजह से मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को पिच से काफ़ी ग्रिप और टर्न मिल सकता है, और दोनों पारियों में आपको जो स्पिनर्स हैं वो मिडिल ओवर्स में काफ़ी विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। ऑफ स्पिनर हो या फिर लेग स्पिनर हो, सभी तरीकों के स्पिनर्स को इस पिच से मदद मिली है, और इस मैच में भी आपको स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में काफ़ी इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मैदान पर चौथा मुकाबला खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का, तो रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड पिच का ही इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर यूज्ड पिच यहां पर इस्तेमाल होती है तो फिर जो तेज गेंदबाज अपनी वेरिएशंस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं यानी कि स्लो डिलीवरीज और ऑफ कटर्स फेंकते हैं वो भी कारगर साबित हो सकते हैं, और यहां पर वेरिएबल बाउंस भी देखने को मिल सकता है यानी कि गेंद ऊपर नीचे भी रह सकती है, तो हिट द डेक फास्ट बॉलर्स भी आपको विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल इस मैच में फास्ट बॉलर्स हों या फिर स्पिनर्स दोनों इफेक्टिव होंगे, इसी वजह से मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों ये रहा ICC वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 29 के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।